दोस्तों ये एक सेफ क्रेन है, 15 टन की सेफ क्रेन है। और भारत में अगर आप 50 साल पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो सबसे पहले अगर किसी ने सेफ क्रेन बनाई थी तो वह एस्कॉर्ट्स ने बनाई थी। ये काफ़ी यूनिक सी मशीन है और इसका एप्लीकेशन उतना ही वर्सटाइल है, मतलब अलग अलग जगह यूज़ हो सकती है। आप चाहो तो वेयर हाउसेस में इंटरनली, पोर्ट्स में एक्सटर्नली, लंबी मार्चिंग के लिए और बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ तक अगर हुक देख रहे हो तो आपको लगभग 15 टन का लोड डालने को मिलेगा। और अगर 21 मीटर की हाइट तक इसको ऊंचा कर देंगे ना, और आगे की तरफ अगर आप स्टेबलाइजर्स लगा लोगे तो आराम से आप 750 किलो तक ऊपर आराम से लोड कर सकते हो। दैट्स वन। कितनी वारंटी आती है, क्या कीमत आती है, क्या आपके लिए फ़ायदा होगा इस क्रेन को लेने के बाद में, और क्या ये मशीन ठीक है, और क्या एस्कॉर्ट्स के घर से आने वाली इस मशीन का आपके लिए वाकई में कोई सेंस है, या फिर आपको कोई और मशीन मार्केट में देखनी चाहिए, सारे सवालों के जवाब के साथ में हम आ जाएं। तो आपको इस मशीन के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी और उस जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स, और चलिए शुरू करते हैं हम ये एस्कॉर्ट्स की तरफ से बिकने वाली सबसे बढ़िया F-15 फाइटर सेफ क्रेन का वीडियो। सामने की तरफ से देखने में F-15 फाइटर जो है ना एस्कॉर्ट्स की तरफ से, वो एकदम बिल्कुल अलग नहीं लगता, मतलब बहुत ही बेसिक डिज़ाइन रखा है, मिनिमल डिज़ाइन रखा हुआ है, और डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐसे रखे कि मशीन जो आपकी मजबूत हो जाए। सामने की तरफ आपको ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड लैंप्स मिलते हैं, ये हैलोजन बेस्ड है और ये तो जनरली आपकी मार्चिंग के टाइम पे काम आएंगे। बट आप एक चीज़ और देखोगे कि यहाँ पे ना ऊपर की तरफ ये लैंप दिया हुआ है, इससे फायदा होता है कि जो भी आप लोड कैरी कर रहे हो, लोड ले रहे हो तो लोड पे सीधे फोकस होता है, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल सेटअप मिलता है और ये आपके इसके साथ मूव करते हैं, पूरे के पूरे बूम के साथ में मूव करेंगे। सामने की तरफ आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ अलग या मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी हो, बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शनल चीज़ मिलती है, इसको हम ड्रैग विंच बोलते हैं। बेसिकली 5 टन तक का ये लोड है वो ड्रैग कर सकता है, और ये ऑप्शनल अटैचमेंट है। जनरली अगर आप F-15 फाइटर ले रहे हो, अगर आपको ज़रूरत है कुछ ड्रैग करने का लग रहा है तो वो चीज़ जाती है, पीछे की तरफ आपको सारा विंच वगैरह मैकेनिज्म वहाँ पे मिलता है, दोनों तरफ सेम है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेबलाइजर्स। अब क्या होता है, जनरली अगर आप कुछ ड्रैग कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आगे की तरफ मतलब कुछ मतलब काम है, तो ये आप इसमें स्टेबलाइजर लगा लो, स्टेबलाइजर को डाउन कर लो, सिर्फ आगे की तरफ ही स्टेबलाइजर आते हैं। और जनरली क्या होता है, मार्च करते हो तो ये मशीन 4x4 है, मतलब भाई दोनों एक्सल हैं, दोनों एक्सल लाइव हैं, कोई भी एक्सल डमी एक्सल नहीं है, 4x4 है। अब यहाँ पे क्या, आगे वाला जो एक्सल होता है ना वो आपका हमेशा चलते रहेगा, कितनी भी स्पीड में मार्च करो तो बाय डिफॉल्ट जो मशीन है वो 4x4 की जगह 4x2 में चलती है। जब आप लोड कैरी कर रहे हो या आप कम स्पीड में चला रहे हो तो 4x4 आपको एंगेज करना होता है। अब टायर्स में ना आप जनरली एक्सल्स देखोगे ना, उसमें टाटा के एक्सल्स लगे हुए हैं। अब टाटा के जो एक्सल्स हैं ना, इनके 3 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि ये कॉस्ट में इकोनॉमिकल पड़ते हैं, इनके पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं टाटा के एक्सल्स के। और तीसरी बात ये है कि यार कहीं भी आपको रिपेयर हो जाएगा, और जो मतलब रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केबिन में हम जाएंगे बाद में, सबसे लास्ट में मैं आपको केबिन दिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा। अब चीज़ एक चीज़ और देखो, यहाँ से ऑपरेटर को देखने के लिए पीछे की तरफ प्रॉपर विजिबिलिटी हो जाए तो यहाँ पे एक शीशा भी दे रखा है ताकि आप प्रॉपर विजिबल हो सको। और वो ऐसा है कि मतलब जिस हिसाब से वो माउंट किया गया ना कि वो लंबा चलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब टूट जाए कुछ कर जाए। और एक छोटी सी इनकी डिज़ाइन एलिमेंट्स और बताता हूँ, जैसे ये प्लेटफॉर्म है तो जनरली क्या होता है, कई बार हम कुछ सामान रख लेते हैं, कई बार हम चलो मार्च कर रहे हैं, मेरी साइड्स पे 4-5 किलोमीटर का मार्च है, तो मैंने यहाँ पे ना कई बार मुझे खड़े होकर भी कुछ ऐसे यहाँ पे चीज़ें करनी होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो आपको पता है किस तरीके से काम होता है भारत में। तो ये यहाँ पे एंटी स्किड पूरा फ्लोर दे रखा है इन्होंने, ये पूरी की पूरी इसके ऊपर एक शीट लगा रखी है, काफ़ी हैवी शीट है, कुछ लोड वगैरह भी डालोगे, कोई चीज़ डालोगे, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आने वाली है। हैंडल्स वगैरह आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया है, और गेट वगैरह की क्वालिटी एक्चुअली हैवी लगती है, पूरा लोहा है। बात करेंगे हम इसके बारे में जब हम केबिन में अंदर जाएंगे। अगर अभी आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो तो आपको यहाँ पे ना आर्टिकुलेटेड स्टीयरिंग मिलता है। अभी आर्टिकुलेटेड स्टीयरिंग जो है ना, ये आपको दोनों तरफ आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। तो ये मशीन बेसिकली 2 पार्ट्स में होती है, यहाँ पे प्रॉपर बैरिंग है तो ये अलग पार्ट हो जाएगा, अलग पार्ट हो जाएगा, इस कारण से इसको एक्सीलेंट टर्निंग सर्कल डायमीटर मिलता है। ये 7.2 मीटर में जो है पूरी मशीन पूरी घूम जाती है। जनरली लोग और भी कम में घुमा लेते हैं, आगे पीछे कर, क्योंकि आप पूरा सर्कल नहीं लोगे प्रैक्टिकल कंडीशन में, बट टर्निंग रेट इज़ बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको हाइड्रोलिक फ्लूड है, हाइड्रोलिक टैंक है, यहाँ से आप उसको जज कर सकते हो कि ये आपको कितना इसमें हाइड्रोलिक फ्यूल अभी इसके अंदर है। जनरली 220 लीटर की कैपेसिटी होता है, बट रिप्लेसमेंट अगर आप बात करो तो 185 लीटर के आसपास ही उसमें रिप्लेसमेंट होता है। और जनरली इस प्लेटफॉर्म पे भी अगर चढ़ना है इंजन इंस्पेक्शन के लिए, जो कि हम थोड़ी देर में चल के दिखाते हैं, तो इन फुट स्टेप्स की मदद से आराम से चढ़ सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होती। मतलब जैसे ऑपरेटर जो भी आपका काम करेगा, जब भी आप मशीन में काम करोगे, तो इससे सर्विसबिलिटी काफ़ी ईजी हो जाती है। अब बातें छोटी छोटी हैं, जनरली इस मशीन में कोई इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, कोई सेल करते टाइम भी आपसे बात नहीं करेगा, हम बात करते हैं आपसे, क्योंकि हम आपको इन डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये पीछे जो आगे वाला हमारा एक्सल था वो रिजिडली माउंटेड है, उसमें कोई सस्पेंशन सिस्टम नहीं है। पीछे आप देखोगे तो 9 पट्टा कमानियाँ आती हैं, यहाँ अंदर की तरफ पूरा उन्होंने पैक किया हुआ है, वहाँ पर 9 पट्टा कमानियाँ हैं, मतलब मान लो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन वहाँ पर दे रखी है नॉर्मल वाली, और वो भी मतलब काफ़ी हेल्प करती है ताकि पीछे से जो है एकदम सपोर्ट सिस्टम बने रहे।
यहाँ पे आपको लगभग लगभग मान लो आप 2-2.5 टन का काउंटर वेट मिलता है, दोनों तरफ आप देखोगे तो 4.5 टन के आसपास का काउंटर वेट इसके साथ में डाला जाता है, क्योंकि आप जो आगे लोड डालो वो आपको पूरी तरीके से स्टेबल रहना चाहिए। फ्लोर पूरा आप देखोगे कहीं भी आप चढ़ोगे तो वो आपकी चीज़ें ऐसी मिलने वाली है आपको कि कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। फिर इसमें बैटरी जो है वो बाहर प्लेस की गई है, ऑब्वियसली इसको आप लॉक कर सकते हो अपने हिसाब से। कुछ जो नए मॉडल्स और आते हैं उनमें आपको बैटरी अंदर की तरफ हाइड्रोलिक टैंक के पास में भी प्लेस मिल सकती है। तो कुछ छोटे मोटे डिज़ाइन एलिमेंट्स उसमें आपको और भी चीज़ें मिलती जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ें, अब ये वाला जो पर्टिकुलर इंजन है ये वोल्वो आइसर का इंजन है, मतलब कहने का मतलब है आइसर का इंजन है, जिस कारण से पार्ट्स इसके बहुत आराम से मिल जाते हैं। ये CEV ROMS 4 को क्वालिफाई करता है, 75 HP का ये इंजन है। इसके बारे में सारी डिटेल्स मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आपको उससे जानकारी में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसमें जो गियर बॉक्स है और क्लच वगैरह है उसके बारे में हम केबिन में जाएंगे तब मैं आपको बात करूँगा एप्लीकेशन के साथ में। और इधर आपको 4x4 का एक स्टिकर मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली मशीन 4-wheel drive सिस्टम के साथ में आती है। अगर पीछे से देखोगे तो आपको ब्रेक लाइट, बैक लाइट, रिफ्लेक्टर इंडिकेटर सारी चीज़ें मिलती है। क्यों? क्योंकि ये मशीन रोड पे मार्च करती है, और थोड़ा बहुत मार्च नहीं करती, अच्छा खासा मार्च करती है। आप इसको 100, 200, 150, 300 किलोमीटर भी लेके जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कमर्शियल ड्राइव लाइन आती है सारी सारी, तो कमर्शियल ड्राइव लाइन के कारण बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इस मशीन को एक लंबा चलने में। अगर हम पीछे से बात करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी है। और ना मशीन में क्या होता है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कैसे चलाते हैं ऑपरेटर कैसे, तो वो एक रोबस्टनेस चाहिए, वो एक रिजिडिटी चाहिए, वो इस मशीन के अंदर है। यहाँ पर ऑब्वियसली एस्कॉर्ट्स का जो है वो आपको एक लोगो मिलता है, और पीछे की तरफ एडिटर मिलता है जिसके ऑब्वियसली इंजन कूल होगा। तो ये सारी चीज़ें, और ये यहाँ पे इसका फ्लैज या माउंट होता है। एक्सल में आपको ना एयर ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, फेल सेफ एयर ब्रेक्स होती है क्योंकि इंजन जो है ना वो कमर्शियल वाला इंजन है, जिस कारण से उसके अंदर एयर कंप्रेशर, तो अलग से ऐसा नहीं कि एयर कंप्रेशर लगाने की जरूरत पड़ी। और AC भी इसमें ऑप्शनल है, मतलब वहाँ पे बेल्ट दे रखा है, प्रोविजन है, आप चाहो अगर लेते वक्त आप ऑप्शन दे देना कि अगर AC चाहिए तो आपको AC भी मिल जाएगा वहाँ पे, आपको वो देखेगा। और एयर ब्रेक्स के लिए आपको सेम वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि आपको जनरली ट्रक्स में देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रक वाला ही एग्जैक्ट सेम एक्सल है। ड्यूल लाइन एस्केम एयर ब्रेक्स इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे आपको इसका एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, और ये हॉर्न लगा हुआ है यहाँ पे छोटा सा, जिस कारण से मशीन जब भी बैक होती है, बैक गियर में डालोगे तो ये पीछे दिखाता है कि यार जो मशीन है वो बैक हो रही है, थोड़ा सा कॉशियस रहने का। और ये आप एंगल देख रहे हो, इसका जो अप्रोच एंगल है, डिपार्चर एंगल है, जिस कारण से मशीन 4x4 है, कई बार आपको ऐसे चलाना होता है, इसे चलाना होता है। और इस मशीन की एक USP और है कि क्रीप फंक्शन में 1.3 km/h की स्पीड पर पूरे RPM 2200 RPM भी आप कर दोगे ना तो भी 1.3 की ही स्पीड रिटर्न करेगी, जिस कारण से स्टेबिलिटी के साथ में और मैक्सिमम ट्रैक्शन के साथ में, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रिप के साथ में आप लोड को आराम से लेके जा सकते हो। ये चीज़ें, और अगर एक चीज़ दिखाऊँ आपको, देखो जनरली आप ये सब फ्रेम्स वगैरह देखोगे ना, क्योंकि ये तो खुद ही बनाते हैं फ्रेम्स वगैरह, यहाँ से देखोगे ना इसके जो वेल्डिंग जॉइंट्स हैं या जो बाकी सारी चीज़ें हैं, तो जो फिनिशिंग वाला पार्ट है ना वो बहुत ही कमाल का है। मतलब आप इस जब मशीन खरीदो जब भी, तो मशीन में आके बार आके चेक करना, खुद चेक करना कि उन्होंने जो मिग वेल्डिंग किया है, स्पॉट वेल्डिंग तो खैर होती नहीं, मिग वेल्डिंग अभी की है, वो आप देखना कितनी बढ़िया तरीके से करिए ताकि वो एकदम रिलायबिलिटी फैक्टर उसका बना रहे। अब जनरली मैंने बताया था काउंटर वेट के बारे में, 4.5 टन तक का काउंटर वेट है। अब पता क्या होता है, जैसे आपको 15 टन के आसपास लेके जाना है तो उसके हिसाब से जो आपका ऑपरेटिंग है, मतलब जैसे अगर आप इसको सबसे ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हो, मैं बताने वाला हूँ आपको रेंजेस वगैरह। जैसे मान लो आप 4.5 टन का इसमें काउंटर वेट है, आप 4.5 टन जनरली किस एप्लीकेशन की, 15 टन तक का क्रेन है, 15 टन तक डाल रहे हो आप, किसी भी तरह से कोई भी ऑपरेट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक्सटेंड कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्लाई जिप है, अगर फ्लाई जिप को आपने लगा रखा है तो फ्लाई जिप के साथ में आपकी जो मैक्सिमम सामने की तरफ रीच जाती है वो आपकी 18.5 मीटर के आसपास जाती है, 18.5 मीटर की लंबाई जाती है। अगर हाइट आप देखो तो 21 मीटर तक हाइट होती है इसकी, पूरी की पूरी 21 मीटर हाइट ले सकता है। और अगर इसको हटा भी दोगे तो आपकी 18.2 मीटर की हाइट तब भी रहती है, अगर इसको आप हटा भी दोगे तो 16 मीटर से थोड़ा ज़्यादा इसका रीच तब भी रहता है। अब ये यहाँ अटैचमेंट है, तो जब भी आपको करना है तो बहुत ही ईजी है इसका, मतलब 2 पिन्स निकालने होते हैं डाउन करके, तो इंस्टॉल करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक्सल है एग्जैक्ट सेम है भाई, पूरे एयर ब्रेक्स वाला जैसे बताया था वो सारी सीन है। अब यहाँ पे इसका डीजल टैंक आता है, डीजल टैंक आपको 220 लीटर का होता है, 210, 215, 220, अब जितना उसमें बच रहा है, पूरा तो कोई एम्प्टी नहीं करता है, वो चीज़ है। इंजन के बारे में आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, उसके पहले ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, ये एम्प्टी स्पेस बड़े काम का है। ये पता है क्यों काम का है, क्योंकि यहाँ पे ना एक कोऑपरेटर का प्लेटफॉर्म लगवा सकते हैं। जनरली क्या होता है, हमारे एप्लीकेशन जरूरत होती है कि एक बंदा हेल्पर रहे या कोऑपरेटर रहे, वो क्या करे, उतरे और फिर जो है उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि बंदा तो बार बार आ नहीं सकता यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑपरेटर प्लेटफॉर्म ऑप्शनल होता है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जनरली इसमें F-15 फाइटर में बाय डिफॉल्ट नहीं आता, बट अगर आप चाहोगे, इनको रिक्वेस्ट करोगे तो ये आपको लगा के दे देंगे अगर आपकी ज़रूरत है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये वाला जो आपको पूरा का पूरा बूम दिखेगा, इसके अंदर छोटे छोटे जो चीज़ें आम है वो एक्सटेंड होते हैं। अब ऐसे मान लो आप, तो इसके 3 पीस में आपको ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब अंदर की जब आप उसको एक्सटेंड करोगे लेवर के थ्रू, तो 3 पीस में आपका एक्सटेंड हो जाएगा। अब ऑब्वियसली कितना लोड कैरी कर रहे हो, अगर आप इस पॉइंट पे कर रहे हो तो 15 टन तक आप लेके जा सकते हो, ऑब्वियसली चेन्स वगैरह मजबूत होनी चाहिए। 21 मीटर के आसपास की अगर हाइट पे आप काम कर रहे हो, मतलब आपने फ्लाई जिप भी लगा रखा, तो 500 से लेकर 750 किलो तक आप तब भी उठा सकते हो। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि इसका जो व्हील बेस है वो आपका अंडर 4 मीटर है, मतलब 3950 mm का व्हील बेस है, थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, जिस कारण से स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। और ये एक अलग सा सेगमेंट है, मतलब जिसमें व्हील बेस का भी मतलब
हेल्प है। तो अब क्या होता है, डबल टायर लगा रखे उन्होंने, टाटा वाले डबल टायर लगा रखे, जिस कारण से मतलब एक्सेल लगा रखा है टाटा का, तो आगे से स्टेबिलिटी बहुत मजबूत है, पीछे स्टेबिलिटी बहुत मजबूत है, 4x4 है, स्पीड भी आपको 1.3 के करीब फंक्शन दे रखा है, और ये चीज़ दे रखी है जिस कारण से इसमें क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा आप इसमें रिलाय कर सकते हैं और सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक्स की बात करोगे तो भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे, और अगर हम हाइस्ट की बात करें, विंच की बात करें, तो ये बहुत अच्छा आता है, ट्राइड टेस्टेड आते हैं, और जिस कंपनी के आते हैं वहाँ से आपको काफ़ी एक अश्योरेंस मिलता है कि यार ये इस कंपनी का आ रहा है, तो आपको ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम आगे की तरफ जाएंगे, एक चीज़ बताएंगे, फिर हम इंजन के बारे में बात करते हैं। अब देखो मशीन के बारे में काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं, तो पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि अगर आपकी क्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा। अब ये वाला जो पर्टिकुलर हुक है, ये तो आपको इसमें अलग टाइप का हुक भी ले सकते हो, एक जैसे कहते हैं ना हम लोग राइनो हुक आता है, वो भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये ऊपर वाली जो दो पिंस है ना, इन दो पिंस में आप फ्लाई जिप लगा सकते हो। अब ये -10 डिग्री तक जाता है, इनका यूएसपी है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजन है कि भाई ये वाला जो है ना, यही एक ऐसा आपको आम बूम दिखेगा जिसमें आपको -10 डिग्री का ऑक्सीलेशन मिलता है, और उसकी पूरी की पूरी जो रेंज है, और ऊपर की तरफ आप जाओगे तो +60 डिग्रीज तक, मतलब फ्रॉम +60 डिग्री टू -10 डिग्री, तो 0 डिग्री तक तो सारे आते हैं, -10 तक आने वाला ये अपने टाइप का, ताकि आप बहुत ही अगर लोअर लोड भी उठा रहे हो, नीचे से लोड उठा रहे हो, तो उसको कोई दिक्कत ना हो। अब केबिन में जाने से पहले इंजन दिखा देता हूँ मैं आपको, और फिर उसके बाद में हम चलेंगे केबिन के अंदर। ये आपको वोल्वो आइसर का, या मतलब कह लो आइसर का इंजन इसके साथ में मिलता है, 55 किलोवाट, या मान लो आप 74 HP की इसके अंदर पावर आती है, और यहाँ पे आप गियरबॉक्स वगैरह भी देखोगे ना, तो वो भी बहुत सही है। अब अगर आपको इसमें और ज़्यादा बड़े इंजन की ज़रूरत है, तो इनका बड़ा मॉडल भी आता है, 100 HP के साथ में आता है। आपको थोड़ा और कम इंजन चाहिए तो आपको 50 HP वाला टाटा का इंजन भी मिल जाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशंस। साथ में बताया क्या फ़ायदा होता है इसमें ना, पूरे 10 गियर्स आते हैं अगर ऑक्सिलरी गियरबॉक्स को मान लो, क्योंकि 4x4 है तो ऑक्सिलरी गियरबॉक्स का काम आता है, मतलब 5 फॉरवर्ड आते हैं, 1 रिवर्स आता है, और उसी हिसाब से आपका ऑक्सिलरी गियरबॉक्स के साथ में 2 रिवर्स गियर हो जाते हैं, वो क्योंकि एक हाई और लो वाला सिस्टम मिला के, तो काफ़ी कुछ इसके अंदर बहुत ही कमाल का आता है। सबसे अच्छी बात क्या है, देखो जिस तरह से हुड खुल जाता है, मेंटेनेंस करना बहुत आसान है, सारे कंपोनेंट्स ऊपर हैं, इजीली इंस्पेक्शन कर सकते हो, एयर फिल्टर वगैरह भी आपका यहाँ लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है, पूरी बात सेफ है, क्योंकि लोड आपका सारा का सारा आगे की तरफ होता है, और इंजन पीछे प्लेस करने का एक फ़ायदा और है कि इंजन अपने आप में एक काउंटर वेट होता है, मतलब यहाँ भी आपका वजन ये दिखता है, और इससे उतरना बहुत आसान है। बार बार अगर मेंटेनेंस के लिए या चेक करने के लिए कोई चढ़ रहा है तो वो चीज़, और पता है बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, यही कि नीचे फुट पैड दे रखा है, अब इस फुट पैड पर अगर आप ऐसे पैर रखोगे ना, आराम से चढ़ सकते हो, तो वो चीज़ है। फिर इन मशीन्स में चाहिए होती है विजिबिलिटी, मतलब ऑपरेटर को सब कुछ देखना चाहिए, और पता है बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, विजिबिलिटी पे बहुत ध्यान देती है, क्योंकि अगर विजिबिलिटी ज़रा भी कम होगी ना, तो फिर दिक्कत होगी। सामने की तरफ आपको बड़ा सा शीशा दिखता है, साइड में भी आपको बढ़िया कम्युनिकेशन दिखता है, मतलब आप यहाँ से भी आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो, पीछे भी अगर देखना तो देखो ये पूरा शीशा है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, और जब आप 21 मीटर की उस पास की हाइट लेते हो, 21 मीटर के आसपास की हाइट लेते हो, तो आपको यहाँ से ऊपर से दिखता भी है, ऊपर भी एक छोटा सा इन्होंने पैनल छोड़ रखा है, विच इज़ लाइक रियली। ऑपरेटर की जो सीट है वो भी कम्प्लीटली आप देखोगे एडजस्टेबल है, अब क्योंकि ऑपरेटर को फटीग ना, ऑपरेटर आपका ज़्यादा देर तक अच्छे से चला सके, इलेक्ट्रॉनिक एसिलेटर दे रखा है, ऑब्वियसली एयर ब्रेक्स आते हैं, आवाज़ सुन सकते हो, और यहाँ पे क्लच आता है। अब फिर आपको बूम आर्म के कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, और ये लोड चार्ट भी दिया हुआ है जिससे कि ऑपरेटर रिफर कर सकता है काफ़ी सारी चीज़ें, और इसमें ना ट्रक टाइप ही जो है वो गियरबॉक्स दिया हुआ है, ये 5 स्पीड का गियरबॉक्स है, ऑक्सिलरी गियरबॉक्स अगर आपको लगाना है 4x4 या 4x2, तो उसके लिए यहाँ पे बटन दे रखा होता है, वो आप 4x4 4x2 लगा सकते हो। इसके ऊपर पंखे का बटन है, और ये आपका 1000 लैंप का बटन है लाइट्स वगैरह के बटन से, और 12 वोल्ट का एक चार्जर है, OBD पोर्ट यहीं दे रखा है ऊपर की तरफ, ताकि आप कोई डायग्नोस आ रहे हो इंजन आपके CEB4 नॉर्म्स को, BS4 नॉर्म्स आप कह सकते हो उनको कंप्लायंस करते हैं, तो वो आपके वहाँ होते हैं, चाबी वगैरह यहाँ प्लेस होती है, एंड देन यहाँ पे आपको एक तो ऑक्सिलरी गियरबॉक्स का दिख जाएगा, जो ट्रांसफर केस है उसका देखेगा कि उसमें ऑयल टेम्परेचर क्या है, बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है डीजल कितना है, ऑयल टेम्परेचर कितना है, इंजन का ऑयल टेम्परेचर कितना है, फिर यहाँ पे कितने घंटे मशीन चली है, क्या RPM पे मशीन चल रही है, सब डिजिटल पैनल दिखता है, वो एकदम एनालॉग और डिजिटल का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो आपका 100 HP वाले और बड़े मॉडल्स आते हैं उनमें तो और भी डिटेल में दिखाता है, यहाँ पे लोड इंडिकेटर दिखा रहा है, ये सेफ लोड इंडिकेटर है, उसको पता रहेगा ऑपरेटर को यार कितना लोड वहाँ सामने की तरफ आ रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको एक अगर जैसे रिवर्स गियर डालते हो रिवर्स कैमरा ऑन हो जाता है, तो रिवर्स कैमरा ऑन होने के साथ में आप जो है वहाँ क्लियर स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये साथ में हॉर्न भी आता है, जिस कारण से जब भी रिवर्स होगी मशीन में बताया था आपका हॉर्न होते रहेगा, और यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखता रहेगा इस स्क्रीन के ऊपर कि क्या सिस्टम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इसका केबिन है। अब चलिए मशीन के बारे में फाइनल बातें कर लेते हैं, और आपको बता दें कि क्या कुछ और इस मशीन में खास है, और आपको क्या अगर आप एक सेफ क्रेन के बारे में सोच रहे हो तो क्या इस क्रेन के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें थी इस F15 मोबाइल क्रेन के बारे में। अब ये वाली जो पर्टिकुलर क्रेन है वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग क्रेन्स है इन इट्स कैटेगरी, और सबसे वर्सटाइल भी है।
आप तो नई की बात कर रहे हो, पुरानी वाली भी हाथों हाथ बिक जाती है अगर कहीं मार्केट में मिल रही हो तो। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीजल कंजप्शन की बात करो इस वोल्वो आइसर के इंजन के साथ में, जो कि 74-75 HP के आसपास का, तो इसमें आपका 3 से 3.5 लीटर/घंटे क्रेन ऑपरेशंस में ये मशीन खाती है। सबसे ज़रूरी है मल्टीपल अटैचमेंट्स आपके लग जाते हैं, GPS टेलीमेटिक्स आते हैं, मतलब आपको पता लगेगा मशीन में कब डीजल डला, कब खाली हुआ, कितना है, कब सर्विस पे आ रही है और कितने घंटे लॉग हुई, ओवरलोड वगैरह तो नहीं हुआ, सारी चीज़ें आपको पता लगती है। 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आती है, आप एक्सटेंड करा सकते हो 2 साल 3 साल, जितना आपको ऑपरेशन करने का मन है, जितनी आपकी इच्छा है, वो सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और लोग सबसे ज़्यादा पूछने वाले कि भाई कीमत क्या आती है मशीन से। देखो कीमत के लिए आप एक कॉल लगा लो 1-800-180-4488 नंबर, इस नंबर पर कॉल लगाओ, आपको आपके नियरेस्ट जो आपके डीलर रहेंगे वो सबसे ज़्यादा हेल्प कर देंगे। डीलर से याद आए कि इनके 75+ डीलर नेटवर्क्स ऑल ओवर इंडिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, वोल्वो आइसर का अगर आप इसमें अंदर सामान लगा के रखे हो और ऐसी सारी चीज़ें लगा रखे हो तो कुछ दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि जगह जगह आपको सारे टच पॉइंट सर्विस सपोर्ट मिल जाएगा। तो बस मेरी तरफ से ये कुछ बातें थी, अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको और चाहिए मैंने मिस कर दी, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नंबर पर आप कॉल भी लगा के वहाँ से भी जानकारी ले सकते हो। तो बस मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाएंगे ताकि और भी लोगों को पता चल सके इस F-15 फाइटर के बारे में, जो कि आती है एस्कॉर्ट्स के घर से।